हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी साल 2023 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 700 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग आने वाली 30 जून 2023 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं पास है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी 2-3 खास बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली तो, बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल मेरिट के बेसिस पे आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होने वाला। दूसरी बड़ी बात की फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। और तीसरी बड़ी बात, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी आ चुकी है। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, आपके काम की लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। डेट है 31/5/2023, यानी कि 31 मई के दिन की। यहां पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, यानी कि ICF डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको आखिरी डेट देखने को मिलेगी, जो की है 30/6/2023, यानी कि आने वाली 30 जून शाम के 5:30, यानी कि 5:30 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, फ्रेशर्स के लिए भी नोटिफिकेशन है, और एक्स जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जॉब नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जनरल OBC SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको इस पॉइंट को चेकआउट करना होगा। देन बात करते हैं यहाँ पे आपको एज वगैरह क्या देखने को मिलेगी, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन करेंगे, तो देख सकते हैं कि 15 से लेकर 24 और 5 सालों का छूट मिलेगा। यहाँ पे तो आप लोग 29 साल तक के कैंडिडेट आसानी से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन है 10+2, यानी कि 12वीं स्कीम के अंतर्गत आपने कक्षा 10वीं यहाँ पे पास की हो, यानी कि एक्स यानी 10th पास है अगर आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 12th पास वालों की वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 10+2 स्कीम के अंतर्गत जिन्होंने पढ़ाई करी है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो MLT की पोस्ट है रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की, वहाँ पे केवल और केवल 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10th पास है तो आपको कितना यहाँ पे स्टिपेंड देखने को मिलेगा, स्टिपेंड और साथ में यहाँ पे आपको 12th पास कैंडिडेट में कितना स्टिपेंड देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन मिलेगा, कैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आने वाली 30 जून तक आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है, नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है। अप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC का लगेगा 100 रुपए, बाकी यहाँ पे अगर आप लोग SC ST PWD या महिला कैटेगरी की कैंडिडेट है तो आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे आने पर कि आपका क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस किया, इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दी मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेंड इन 10th, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 10वीं कक्षा के मार्कशीट के बेसिस पे बनने वाली है। आपके जितने भी नंबर आए होंगे कक्षा 10वीं में, उसके बेसिस पे आप सभी का चयन किया जाएगा। इसके बाद अदर कंडीशन भी है, इसको भी आपको रीड करना होगा। इस कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक आपको वेबसाइट जो की है fastjob.co.com पे मिलेगा, आप लोग वहां पे जाके सारी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको दी गई है आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं किसी और सरकारी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।